पुलिस किसी भी कारण से गाड़ी जब्त करती है तो या तो कार्रवाई पूरी होने पर गाड़ी मालिक को दे दी जाती है या नीलाम कर देते हैं। जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक कांस्टेबल ने नीलामी की गाड़ी सस्ते में दिलाने का लालच देकर एक व्यक्ति को हजारों रुपए की चपत लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जरीपटका पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज हुई, जहां एक पुलिस कर्मचारी ने पुलिस द्वारा नीलामी की गाड़ी सस्ती में दिलाने का लालच देकर 50,000 रुपए की चपत लगा दी है। इतना ही नहीं, इस कर्मचारी ने काम का बहाना कर इस व्यक्ति की गाड़ी भी ले गया और दो तीन हो गए वो वापस ही नहीं आया है। हताश होकर पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू की है। जरीपटका पुलिस स्टेशन में परसों एक कंप्लेनेंट आया, जिसका कहना था कि एक पुलिस कांस्टेबल है, उसने उसको कहा कि वो नीलामी पुलिस में जो जब्त किए गाड़ियों की नीलामी में से गाड़ी एक सस्ते में ला के दे दूंगा, ऐसा करके उससे 50,000 ऑनलाइन ले लिए। फिर उस खुद के काम से के लिए उसकी जो बाइक थी वो लेके बोला मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ करके लेके गया और वो दो दिन से वापस नहीं आया। उस बारे में वो कंप्लेन लेने आया था। कंप्लेन वो एक हमारे पुलिस कांस्टेबल जो हेडक्वार्टर में अटैच था लेकिन अब दो तीन महीने से एबसेंट था ड्यूटी पे, उसके खिलाफ थी। उस बारे में सीनियर्स को बता के वो गुनाह दाखिल किया और उसको अरेस्ट कर लिया है। उसके अगेंस्ट उसके बाद और एक वैसी कंप्लेनेंट हमारे पुलिस स्टेशन में आएगी तो उनका भी एक और एक गुनाह दाखिल, उसके ऊपर दो गुने दाखिल हुए हैं। और अभी पता चल रहा है कि उसके और भी थाने में कई एप्लीकेशन उसके खिलाफ आए हुए हैं, तो वहाँ पर भी गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई चालू है। इससे हम लोग यही जनता को दिखाना चाहते हैं कि दोषी अगर कोई भी हो, पुलिस वाला भी अगर दोषी हो, तो उसके ऊपर हम लोग गुनाह दाखिल करने में आगे पीछे नहीं करेंगे और उसके ऊपर ही कार्रवाई होगी, जैसे जनरल पब्लिक के ऊपर होगी। तो किसी पुलिस के खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई, जो आपके खिलाफ चीटिंग या कोई और कोई होगा तकरार, तो आप निसंकोच होकर पुलिस के पास आ सकते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स के पास जा सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।